वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो सदाबहार बिंगा पर है कि समर सीजन में सदाबहार बिंगा की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर किस प्रकार से ले सकते हैं और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए ताकि सदाबहार बिंगा में अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से इस समर सीजन में कुछ बातों का ध्यान जो आपको अगर सदाबहार बिंगा पर रखते हैं तो ना आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होंगे बल्कि भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी तेज से होगी। तो चलिए जानते हैं कौन से फर्टिलाइज़र है और कौन से ज़रूरी काम जो इस समय आपको बिंगा के प्लांट पर करने ही चाहिए। सदाबहार बिंगा जो कई कलरों में और कई नामों से जाना जाता है, इसमें भी कई आपको वैरायटी देखे जाते हैं, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। जैसे कि नाम से ही दिख रहे हैं, सदाबहार यानी कि सालों भर इसमें फूल आते ही रहते हैं, चाहे विंटर हो, चाहे रेनी सीजन हो या फिर समर सीजन हो। थोड़े से रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन उस समय रेनी सीजन में खास केयर की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिंगा के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, यानी कि प्लांटों को ख़राब कर सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं मई का महीना और इस समय तेज़ गर्मी पड़ रही है सभी जगह। अगर हम बिंगा की बात करें तो बिंगा में दो वैरायटी देखे जाते हैं, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। ये जो पिंक कलर के फ्लावर आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी है। इसमें एक और कलर उजले कलर की भी दिखते हैं, ये हैं दोनों ही कलर देसी वैरायटी हैं जो सालों भर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और कम केयर और कम देखभाल में। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें आपको बहुत सारे कलर आपको बिंगा के नज़र आएंगे। ये प्लांट औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं, चाहे इसके पत्ते हों चाहे इसके फ्लावर। औषधीय रूपों में इसके पत्तों और फूलों का विशेष महत्व भी है। सबसे पहले अगर बिंगा की केयर की बात करें तो ये प्लांट फूल सनलाइट को पसंद करने वाले प्लांट हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मेरे सारे बिंगा के प्लांट, सभी प्लांट फूल सनलाइट में रख रखे हैं और देख सकते हैं इस समय आप कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। यानी कि जो भी आप बिंगा के प्लांट लेते हैं कोशिश करें से 7 से 8 आवर की सनलाइट ज़रूर से ज़रूर प्रदान करें, तभी आपके पौधे की ग्रोथ भी होती है और उसमें कलियां और फूल भी ढेरों मात्रा में देखे जाते हैं। इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं। ये जितने सारे आप बिंगा के देख रहे हैं ये सभी हाइब्रिड बिंगा के प्लांट हैं जो मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ और सभी प्लांट मेरे लग चुके हैं, कुछ में फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। ये देख सकते हैं इस प्लांट में भी फ्लावरिंग शुरू हो गए हैं। इसे आप कटिंग से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। अगर इसे सीड से ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप फरवरी के लास्ट तक आप इसके सीडलिंग कर लें, इसे सीड से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और इसमें सीड पॉट अगर एक बार प्लांट ले आते हैं तो सीड पॉट बनते हैं और इसके सीड पॉट गिरने से भी अपने आप ही इसमें प्लांट भी उगाते हैं, यानी कि बार बार आपको लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो हाइब्रिड बिंगा के प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरे गार्डन में कम से कम 2-3 साल से मेरे गार्डन में चल रहे हैं। बस आपको थोड़े से रेनी सीजन में इस प्लांट को बचा के रखनी है। रेनी सीजन में आपको ओवर वाटरिंग से बचानी है, ज़्यादा बारिश के सीजन में इसे आप खुले स्थान पर ना रखें तो आपके प्लांट रेनी सीजन में बच जाएंगे। और रेनी सीजन में कोशिश करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग लगाएं और विंटर में और रेनी सीजन में इन प्लांट को बचा लेते हैं तो आपके प्लांट सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। विंटर में तो इसमें हाइब्रिड वैरायटी में फूल देखे जाते हैं लेकिन रेनी सीजन में थोड़े से इसमें फ्लावरिंग स्लो हो जाती है।
इसमें अगर पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं। ऐसे आप सभी प्लांटों की तरह कभी कभी इस पर भी नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये औषधीय गुणों के कारण इसमें पेस्ट इंसेक्ट भी कम देखे जाते हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी ग्रोथ के लिए जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं या फिर कटिंग लगाते हैं तो उन प्लांटों की रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है। सॉइल इसका आप जितना रिच बनाएंगे उतने ही आपके प्लांट की ग्रोथ भी तेज होगी। यानी कि जो भी सॉइल इसके लिए आप तैयार करते हैं, ऐसे तो ये नॉर्मल सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप कोशिश करें जो भी सॉइल तैयार करते हैं उसमें कंपोस्ट की मात्रा दोगुनी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है फर्टिलाइज़र, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र यूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड बीन का हो चाहे देसी बीन का हो उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सके। तो मैं जो फर्टिलाइज़र इसमें यूज करती हूँ उसमें 15 दिन में आप देख सकते हैं बर्मी कंपोस्ट, नीम खली और पोटास, इन तीनों का मिश्रण मैं इसमें 15 दिन में डालते रहती हूँ। उसके अलावा इसमें कभी कभी मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ और कभी कभी DAP भी डालती हूँ। ये सभी फर्टिलाइज़र को आप यूज कर सकते हैं। अगर DAP यूज करते हैं तो आप मंथ में इस गमले के अनुसार 4 से 5 दाने आप DAP का यूज कर सकते हैं मंथ में एक बार। और ये जो फर्टिलाइज़र, तीनों फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ, इस तीनों फर्टिलाइज़र को 15 दिन में मैं यूज करती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ और तेज़ी से विकास के लिए इसकी सॉइल की गुड़ाई उतना ही ज़रूरी है और उसके साथ ही साथ इसमें उगने वाले खरपतवार को भी हटाना उतना ही ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने प्लांट में फ्लावरिंग बनाने में ले सकें। इसमें सीड पॉड भी तैयार होते हैं। सीड आप ना भी कलेक्ट करें तो इसके सीड मिट्टी में गिरते रहते हैं और अपने आप ही फटकर ये अलग हो जाते हैं। यानी बिंग का एक लो मेंटेनेंस के साथ साथ कम केयर और कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और कई ऐसे मेडिसिनल फ़ायदे भी इस प्लांट से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये विंका की कुछ केयर टिप्स, कुछ फर्टिलाइज़र है जो आपको विंका के प्लांट में यूज करने चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले